तो हम पहुंच गए हैं उदयपुर, और यहाँ पे यह है सूरज कोल, जो पुरानी सिटी का एंट्रेंस है। हम दूर से जाने वाले हैं ये सिटी पैलेस पे, और सिटी पैलेस के हम अंदर जा रहे हैं पैदल। सिटी पैलेस में जाने के बहुत तरीके हैं। सबसे अच्छा है कि आप सबसे सस्ती 50 रुपये वाली टिकट लें और अंदर जाएं, नहीं तो अंदर आप म्यूज़ियम वगैरह देखेंगे या फिर उनकी स्पेशल एक्सकर्शन टिकट लेंगे तो बहुत महंगी है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर वॉल को इन्होंने इतने सजाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, और इसका कलर थोड़ा येलोइश सा महल है। ये दूर से व्यू है बोटिंग पॉइंट से। बोटिंग अगर आप महल वालों की करेंगे तो वो आपको 600 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी, और वो आपको जग मंदिर लेके जाएगी। लेकिन आप दूध तलाई जाके वहाँ पे गवर्नमेंट वाली बोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एक्सकर्शन वाली बोटिंग की का डॉक, और ये है गवर्नमेंट वाली बोटिंग का डॉक जो दूध तलाई से अवेलेबल है। आप देखिए, ये बोटिंग का हमारा रास्ता है। ये हम सामने देख पा रहे हैं ताज लेक पैलेस, जो पूरा वाइट है। ये देखिए सिटी पैलेस का नज़ारा, ये बोटिंग करते हुए लोग, और ये पूरी आपको पिचोला लेक नज़र आ रही है। ये पिचोला लेक है, एक और है लेक यहाँ पे फतेह सागर डैम, लेकिन हम हैं पिचोला लेक में। ये देखिए हम सिटी पैलेस के नज़ारे लेते हुए। देखिए सिटी पैलेस में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, और ये ताज लेक पैलेस है जो एक होटल है। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, और इसमें बाकी सारी हॉस्पिटैलिटी के अरेंजमेंट्स हैं। ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। ये एक स्पेशल बोट है, और देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री बोट से होती है। और ये दूसरा है जगमंदिर घाट। जगमंदिर घाट में भी आप जा सकते हैं अगर आप एक्सकर्शन वाली टिकट लें जो सीधा पैलेस से ही चलती है। ये देखिए डिफरेंट व्यूज़ जगमंदिर घाट के। ये इसकी एंट्रेंस जो कितनी सुंदर है। ये देखने में दूर से रेस्टोरेंट जैसा कुछ लग रहा है। और ये है उदय विलास पैलेस, जो एक और होटल है जहाँ पे काफ़ी हाई एंड मैरिजेस वगैरह भी होती हुई हैं, आपको सुनते होंगे। और ये है करणी माता के मंदिर में जाने के लिए, आपको दूध तलाई के ऊपर से, उस ऊपर करणी माता मंदिर, आपको दूध तलाई से मिलेंगी रोप वे। जाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है, तो आपको आधा घंटा रोप वे पहुँच के वेट करना पड़ेगा कि आपकी बारी कब आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों पे चमगादड़ हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।